हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा आप लोगों का थैंक करने से। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस। वी हैव रीच्ड 12K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम दिस मॉर्निंग, और ये आप ही का प्यार है जो हमें इतना आगे लेके जाता है, इतना मोटिवेट करता है और कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। अब इन्हीं 12K जो हमारे फैमिली है इंस्टाग्राम पे, इन्हीं में से काफ़ी लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है, वो ये है कि मैं आजकल YouTube पे कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा हूँ, YouTube वीडियोस आजकल कम क्यों आ रही हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, नथिंग पर्सनल बट यस समथिंग विच एवरीवन नीड्स टू थिंक अबाउट। तो आज इस वीडियो में मैं उन सारे कारणों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। कहानी ऐसी है कि बेकिंग गार्डनर की शुरुआत हुई 1 जून 2021 को, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले, विद यूट्यूब। यूट्यूब पे हमने कंटेंट क्रिएशन चालू किया, हमने लॉन्च किया अपना चैनल, काफ़ी कंटेंट नए तरीके से हमने एजुकेट करने की कोशिश करी लोगों को गार्डनिंग के बारे में, और एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई हम अपनी छत पे ही सब्जियां उगाते हैं और वहीं पे उन्हीं से फ्रेश खाना बनाते हैं। तो ये कंटेंट जो एक आइडिया था अपने आप में, एक फार्म टू फोक वीडियोस तो आपने बहुत देखी थी, लेकिन टेरिस टू फोक वीडियोस बहुत कम थी यूट्यूब पे। और ये आइडिया अपने आप में एक यूनिक आइडिया था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कंटेंट बनाते रहना चाहिए, और मैंने उस पर पूरा एफर्ट भी लगाया डिस्पाइट कि ये मेरा एक फुल टाइम जॉब नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि दिस वॉज समथिंग दैट यू गाइज विल लाइक, और इस पर मैं टाइम लगाता गया। इंस्टाग्राम पर भी हमने आई थिंक 6 महीने पहले थोड़ा एक्टिवली कंटेंट क्रिएशन चालू किया इसी से रिलेटेड। तो कंपेयर करें 80 वीडियोस ऑफ यूट्यूब फॉर 1 ईयर एंड द कंटेंट आई हैव क्रिएटेड ऑन इंस्टाग्राम फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, इंस्टाग्राम हैज़ शोन सो मच लव, सो मच सपोर्ट टू अस। इंस्टाग्राम पे वी हैव बीन एबल टू रीच द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस। इंस्टाग्राम पे द लव दैट वी हैव रिसीव्ड हैज़ बीन इनॉर्मस। इंस्टाग्राम पे जो इंप्रेशंस हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, यानी कि जितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाई है इंस्टाग्राम ने, थैंक यू सो मच, आपने लोगों को एक्सपोज किया हमारे कंटेंट से। वहीं मैं अगर यूट्यूब पे आ जाऊं तो यूट्यूब पे इतना एफर्ट लगता है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, यू हैव टू सेट अप अ फ्यू थिंग्स, यू हैव टू सेट अप अ माइक, यू हैव टू सेट अप योर कैमरा, ऑडियो सिस्टम एटसेट्रा। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट द रिजल्ट्स हैव बीन फेयरली डिसअपॉइंटिंग। और इसका सबसे जो डीमोटिवेटिंग चीज़ है इसके बारे में, वो ये है कि क्योंकि हम अपना इतना टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने में, और जब उससे एक साल में भी कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आता है, तो आपको लगता है कि क्या आपके समय की कीमत ज़्यादा है इस कंटेंट क्रिएशन से। तो क्या मुझे यूट्यूब पे कंटिन्यू भी करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारे कंटेंट से इतना ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, कि क्यों ना हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ही कंसंट्रेट करें। तो यही सब थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर भी किया जाए। लिसनिंग टू दिस वीडियो आफ्टर यू नो सीइंग दिस वीडियो, हो सकता है यूट्यूब ये वीडियो डिलीट कर दे, हटा दे, लेकिन ज़रूरी है आप लोगों के सामने लाना कुछ बहुत ज़रूरी बातें। तो आजकल YouTube पे क्या चल रहा है, अगर मैं आप लोग से पूछूं तो आपको क्या दिखता है YouTube पे ज़्यादा? क्या YouTube एक ऐसी जगह रह गई है जहां एजुकेटिव कंटेंट को प्रमोट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से इसका आंसर ना है। आप अगर आजकल YouTube पे जाएंगे तो वहां पर गुंडागर्दी, गाली गलौच, अल्कोहलिज्म, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। जिस टाइप के चैनल्स आज YouTube पे चल रहे हैं, क्या वो सही हैं हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए? क्या जो वो कंटेंट दिखाते हैं, जो कंटेंट सुनाते हैं आपको, जैसी बातें करते हैं, क्या आप अपने बच्चों को वो कंटेंट दिखा सकते हैं? क्या एक एजुकेटिव कंटेंट की कोई जगह नहीं रह गई है यूट्यूब पर? ये सारे सवाल मेरे को खाए जा रहे थे, और ज़रूरी था इन बातों को आपके सामने लाना। रेस्ट इज़ अप टू यू गाइज, आप सोचिए इसके बारे में, आप ध्यान से देखिए यूट्यूब पर किस टाइप का कॉन्टेंट चल रहा है आजकल। और अगर हम जैसे क्रिएटर्स की जगह नहीं है यूट्यूब पे, और यूट्यूब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, यू नो गूगल इज़ सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम यूट्यूब पे नहीं होंगे तो हमारा लॉस है,
तो कहीं ना कहीं YouTube और Google का भी लॉस है, दैट दे आर लूजिंग आउट ऑन गुड एजुकेटिव कंटेंट क्रिएटर्स जस्ट बिकॉज आप लोग उनकी वीडियोस को सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचा रहे हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज करेक्ट योर कोर्स. तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ माय रैंट. छोटा सा कहने का मतलब ये था कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम YouTube पे वीडियोस बनाते रहें, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हम कितनी वीडियोस किस फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे. हम Instagram पे डेली अपडेट्स डालते हैं अपने गार्डन के, और रील्स भी डालते हैं, वेरी एजुकेटिव रील्स जिसमें आपको सब कुछ बताते हैं हम Instagram पे. जो हम YouTube पे बताते हैं वही शॉर्ट फॉर्म में Instagram पे भी बताते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी डू दीज लाइव सेशंस एज वेल ऑन Instagram, जहां पर आपके हर सवाल का मैं जवाब देता हूं. वी हैव नेम्ड इट एज द गार्डनिंग दरबार. तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ YouTube पे भी और खासकर Instagram पे. Instagram ID अभी नीचे आपको दिख जाएगा, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं. जब तक मैं YouTube पे दूसरी वीडियो नहीं बनाता, तब तक जाइए Instagram पे, आज की अपडेट्स देखिए. मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में. टिल देन, गुड इवनिंग, टेक केयर.